उधर 25-24 तक के अखंड भारत हो जाएगा। भी अखंड भारत था, ऐसा चाहते हो? ऐसा ही चाहते हैं, अखंड भारत। जितना भारत में आता था उतना ही भारत में आएगा, और अखंड भारत होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता भाई। अब कौन पकड़ के लेके आया इसे? लड़का जो सही बोल रहा है, आज जो वो लोग तथा कथित लोग हैं जो देश में नफरत की राजनीति करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम में खाई बढ़ाने की बात करते हैं, और मुझे तो इस बच्चे की बात से समझ में आ गया, मुझे अनुमान लग गया है कि मुस्लिम कौम भी अब समझने लगी कि बनाओ बेटा अखंड भारत, जब 125 करोड़ बैठेंगे तो लुंगी लेके जाओगे कहाँ? अखंड भारत हो जाएगा, अखंड भारत हो जाएगा। तो ये जो बीजेपी वाले पाकिस्तान भेजते हैं मुसलमानों को, तो अब ये बताएं जब अखंड भारत हो जाएगा तो पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। पैदल पैदल आएंगे, पैदल पैदल जाएंगे, अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब ये बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी वाले सोचे कि वो अपना पासपोर्ट कहाँ करेंगे, बनाए अखंड भारत। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा और सत्तारूढ़ पार्टी के जो हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ाना चाहते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये अखंड भारत और हिंदू मुस्लिम के नफरत के बीच को कम करो, सभी को भाईचारे और अमन के साथ रहने दो। भारत अखंड भारत बन जाएगा, उससे फायदा क्या होगा? अगर आप जानना चाहते हैं अखंड भारत क्यों बनना चाहता है, तो आप बागेश्वर धाम जाइए, एक बार सब पता चल जाएगा आपको। बागेश्वर धाम जाए, मैं तो हो के आया हूँ, मुझे पता है। बागेश्वर धाम वाले तो हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं, तो अखंड भारत के बाद वो हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? पूरा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो अखंड भारत में आप हो जाएगा। क्या करते हो आप? वैसे तो पढ़ाई भी करते हैं और एसी का वर्क भी करते हैं। तो पढ़ाई भी करते हैं, मतलब क्या? मतलब पढ़ाई करते हैं, मतलब प्राइवेट फॉर्म डाले हुए हैं। मतलब प्राइवेट इधर उधर से? हाँ। कौन सी क्लास में है? अभी तो वो ट्वेल्थ का डाला है। ट्वेल्थ में? अखंड भारत चाहते हो आप? कितने पड़ोसी देश हैं भारत के? भारत भाई ये सब नहीं पता। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अखंड भारत चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं बस। अखंड भारत लेकिन चाहते हैं भाई। भारत, अब भारत वालों को प्राउड होगा भाई, मेरा अखंड भारत हो गया, जितना था उतना मिल गया। साले तू एक मिनट को, अखंड भारत कितना था भाई? मतलब खुल के बोलना नहीं चाह रहे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सब लोग तो ताली बजा रहे तुम्हारी बात पे। इतना अच्छा बोलो, बता रहे इतना अच्छा बोल रहे हो। बोल के बोल दो यार, बोलो क्या बोल रहे हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, चाह रहा है यार तुम बोलो। बोलो हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा बताओ भाई? फायदे गिना दो यार, फायदे गिना दो, हम लोग की भी आंखें खुल जाए। यार तुम्हारी भी आंखें खुल जाए, फायदा पूछा। हाँ, अगर हिंदू राज का फायदा होगा तो आंखें खुल जाए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो अखंड भारत, जिसमें आप सबने देखा कि कैसे हमारे देश के युवा इस तरह की बात कर रहे हैं और हमारे देश के भाईचारे को खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और एक बात, किसी को भी हेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई है। सो प्लीज़ किसी को भी हेट ना करें, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।